नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। और आज हम कान्हा जी के लिए धनिया की पंजीरी और चरणामृत का प्रसाद बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए हमने आधा कप धनिया ले लिया है और इसको हमने कढ़ाई में हल्का सा गरम करके ग्राइंडर जार में इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। और अब हमने पैन में एक चम्मच देसी घी डाल करके धनिया को धीमी आंच पर भूनना शुरू किया है। तो धनिया में अच्छे से खुशबू आने तक हम इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। धनिया में अच्छी खुशबू आने लगी है और इसे हम एक बर्तन में निकाल दिए हैं। और अब इसी पैन में एक चम्मच देसी घी डाल करके हम एक कप सिंघाड़ा का आटा भूनेंगे। सिंघाड़ा के आटा को हल्का सुनहरा कलर आने तक धीमी आंच पर हम भूनेंगे। दोस्तों, भोग का प्रसाद तो हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि वह भगवान को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद होता है, लेकिन आप इस विधि से बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। यह धनिया की पंजीरी साल में एक बार जन्माष्टमी पर ही बनाई जाती है। सिंघाड़ा का आटा भून गया है और अब हमने एक चम्मच देसी घी डाल करके ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मखाना, काजू, नारियल, थोड़े सी चिरौंजी लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स और जितना मन चाहे उतना ऐड कर सकती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हमने धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स भी हमारा भून चुका है और इसे भी हम उसी बर्तन में ऐड कर देते हैं जिसमें सभी सामग्री को भून करके रखा है। और अब हम इसमें 5 टेबल स्पून शुगर पाउडर मिक्स कर देंगे। धनिया की पंजीरी बन करके तैयार है तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और ऊपर से तुलसी की पत्ती से सजा देते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के भोग प्रसाद में तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो धनिया की पंजीरी तो बन करके तैयार है और अब हम चरणामृत या पंचामृत बनाने के लिए एक चांदी का या मिट्टी का पात्र ले लें। अगर ये दोनों ना हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। इसमें हमने एक कप कच्चा गाय का दूध लिया है, 2 चम्मच दही लिया है, 1/2 चम्मच गाय का देसी घी, 1/4 चम्मच शहद, 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 चम्मच गंगा जल डाल करके मिक्स कर लेते हैं। और फाइन चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स जिसमें मखाना, काजू, किशमिश, चिरौंजी, नारियल है और ऊपर से तुलसी के पत्ते डाल करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इस दही को हमें फेंटना नहीं है, इसे ऐसे ही रखना है और ऊपर से तुलसी के पत्ते से सजा देंगे। भगवान के भोग के लिए धनिया की पंजीरी और चरणामृत दोनों बनकर के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।